व्हाट इज द गाइस, वीडियो का देख पा रहे हो फ्री फायर का लॉबी रियल में तैयार किया है। जो बंदा हिप हॉप बंडल पहना है ना वो गोल्ड में है, और जो गोल्ड वाल का बंडल पहना है ना वो हीरोइक में है। तो हिप हॉप का बंदा बोल रहा है जा ड्रेस चेंज कर गया, और ये बंदा वॉल्ट पे जाते ड्रेस चेंज करने को, और गाइस देख सकते हो इसके पास क्या बंडल आ गया। भाई ये बंडल तो फ्री फायर में नहीं आया, मतलब रियल लाइफ में ग्लिच फाइल यूज कर रहा है ये बंदा, क्योंकि ये ड्रेस कभी गेम में आया नहीं। ये एक वीआईपी ग्लिच पहन के आ गया। तो छोड़ो भाई, ये भी अच्छा कपड़ा पहन लिया और रिटर्न आ गया। ओ भाई ये कौन आ गया इसके साथ, देख सकते हो लड़की वाला क्लॉथ पहन के, ये भी गेम में है। एनीवेज ये जो फीमेल वाला बंडल पहन के आ गया ना, इसको सब बोल रहा है जा भाई ड्रेस चेंज कर गया, नहीं तो मैच नहीं स्टार्ट करेंगे। ये तो भाई जाएगा ही नहीं, बोल रहा है ये मेरा फेवरेट ड्रेस है, चलो मैच स्टार्ट करो। तो भाई क्या कर सकते, इधर इस बंदे ने मैच स्टार्ट कर दिया और साथ में से भी रियर रिमोट शो कर रहा है, देख सकते हो। और इधर पेट भी है भाई जो कि रियल लाइफ में, और किसी इधर देख सकते हो मैच स्टार्ट हो गया, और शायद हिप हॉप का मतलब डिवाइस बहुत अच्छा है, जल्दी से मैच में आ गया। भाई देख सकते हो सबको मर रहा है। ओ भाई नहीं, इसका तो 99 पिंग हो गया, जैसे नेट प्रॉब्लम होता है ना भाई। और कैसे देख सकते हो इधर भाई सबको मर रहा है, क्या लग रहा है यार फनी जैसा। तो अभी इसका नेट आ गया, सारे प्लेयर लॉबी में कोई गोली मार रहा है, कोई एक के मैक्स मार रहा है, देख सकते हो एक बंदा झंडा लेके दौड़ रहा है। तो गाइस हम लोग आ गए प्लेन में, और गाइस ये जो मैप है ना ये कलारी मैप है, और गाइस ये जो वीडियो है ना आज से लगभग 1 से 2 साल पहले का, और तब क्या होता था जब रैंक बैच होता था तो ज्यादातर कलारी मैप ही पड़ता था। और गाइस अभी देखो ये लोग जो है ना प्लेन से गाइस कूदेगा, और गाइस इसका एनिमेशन वगैरह जो एडिट किया ना बहुत ही ओपी है, जो कि एकदम रियल लाइफ में लग रहा है। देख सकते ऐसे प्लेन से हम लोग लैंड करते हैं। अच्छा फाइनली ये चारों एक जगह में लैंड कर लिया, और गाइस इधर और एक प्लेयर लैंड किया जो सोलो वर्सेस स्क्वाड खेल रहा था रैंक पे, और भाई इसको देख के चारों बंदे इसके पीछे दौड़ रहा था, और हिप हॉप का स्क्वाड बोल रहा था इसको पकड़ भाई हम मारेंगे, ये बोल रहा नहीं हम मारेंगे, गोली मत चला। और ये बंदा भाई लॉन्च पैड पकड़ लिया, देख सकते इधर इसको मिल गया लॉन्च पैड, और लॉन्च पैड से भाग गया, और हिप हॉप का स्क्वाड भी इसके पीछे पीछे चला गया। और जैसे ही भाई गया मतलब जो प्लेयर था ना उसके जगह में उसको नहीं मिला, और भाई उधर बहुत ही खतरनाक खतरनाक प्लेयर था, और हिप हॉप के स्क्वाड के पास तो ज्यादा लूट वगैरह नहीं था, तो क्या करे, जो लूट था उससे भाई ये फाइट वगैरह कर रहा था, क्या ही कर सकेगा, भागेगा तो पीछे से गोली मार देगा क्योंकि सामने फुल स्क्वाड है, इसी वजह से जम के फाइट कर रहा था। और सामने के टीम में भाई सकुरा बंडल था, देख सकते सकुरा का मास्क पहना हुआ, और बीटूके का बंडल था जो कि सीजन 7 का बंडल थे, तो बहुत ही फाइट हो रहा था। और इधर हिप हॉप का स्क्वाड का एक मेंबर नॉक हो गया, देख सकते हो, लेकिन इसका टीम मेंबर बहुत ही अच्छा था इसलिए इसको रिवाइव कर दिया। और रिवाइव होने के साथ साथ इसका टीम में जो इसको रिवाइव दिया बोला तो भाग जा, मैं इन लोगों को देखता हूं, क्योंकि इसके पास था M187 और था क्रोनो कैरेक्टर, आज से लगभग 1 साल पहले जिसके पास भी क्रोनो कैरेक्टर था ना भाई बहुत ही डेंजर था, मतलब सारे डरते थे उससे। देख सकते ये क्रोनो कैरेक्टर के अंदर एबिलिटी यूज करके मेडिकेट मार रहा था, और भाई लॉल भी दिखा रहा था, और इसके दो प्लेयर को नॉक भी कर दिया। और जैसे ही दो प्लेयर नॉक हो गया ना भाई, इसको देख के ओपोनेंट टीम के सीजन 1 का बंदा जो सकुरा बंडल पहना था वो डर रहा था, क्योंकि भाई इसके पास ज्यादा एमओ भी नहीं था, MP40 था और एक्समेट था, MP40 का एमओ तो खत्म ही हो गया था, एक्समेट में थोड़ा वगैरह एमओ था, लेकिन क्या करे भाई एक्समेट लेके M187 का टक्कर कौन कर सकता है, इसीलिए भाई क्या करे एक ग्लूअल मार दिया इस बंदे ने, और कोरोना कैरेक्टर वाला प्लेयर जो सीजन 1 के टीम को नॉक कर दिया वो इसके ग्लूअल के सामने आके भाई ग्लूअल तोड़ देता है M187 देखे, और गाइस इमोट शो करता है। तो भाई सकुरा बंडल करे तो क्या करे, लास्ट में एक डेंजर इमोट शो करके वन टैप हेडशॉट दे देता है जो कि देखने लायक था भाई, बहुत ही ओपी वाला हेडशॉट था, फिर उसके टीम के सामने जाके एक झंडा गाड़ देता है। थोड़ी देर में हम लोग देखते हैं हिप हॉप प्लेयर को जो बहुत ही गुस्सा है क्योंकि इसके एक भी किल नहीं मिला, और ये जैसे सामने जाने का ट्राई कर रहा है ना ये नहीं जा पा रहा क्योंकि इसके ग्लिच चल रहा है, और जो फ्री फायर खेलते हैं उन लोग जानते हैं फ्री फायर में जब ग्लिच होता है कितना गुस्सा आता है भाई, ऐसे ग्लिच हो रहा है। और हिप हॉप के जो अदर टीममेट है ना इसको भाई एक लूट मिल गया, देख सकते हो ये लूट कर रहा था, और इसका एक इनहेलर मिला, तो इनहेलर इसने पी लिया, उसके बाद इसके सामने आ गया एक गाय। भाई साहब फ्री फायर के अंदर गाय कहां से आया, फिर मैं समझा ये पेट, इन लोगों ने गाय को पेट बना के लिया है, मतलब कुछ भी भाई फ्री फायर के अंदर गाय ले आया। एनीवेज उसके बाद हिप हॉप का स्क्वाड पूरे मैप में बहुत ही अच्छे से लूट किया, लूट करते करते एक बंदा मिला जो जिप लाइन से भाग रहा था उसको भी मार दिया, और इन लोगों ने रियल लाइफ में जिप लाइन बनाया जो कि बहुत ही कूल एंड ऑसम है। उसके बाद इन स्क्वाड के मेंबर गए एयरड्रॉप लूटने, और एयरड्रॉप इसके ऊपर गिर गया और ये एलिमेंट हो गया, क्या ही किस्मत है इसकी। और अगर तुम लोगों के ऊपर ऐसा कभी हुआ कि एयरड्रॉप गिर के एलिमेंट हो गए हो तो नीचे कमेंट करना, कितना बुरा लगता है यार, मतलब एयरड्रॉप गिर के एलिमिनेट हो जाए। और तभी के टाइम में टीममेट को दोबारा रिवाइव भी नहीं कर सकते थे, तो कैसे हिप हॉप के टीम में ओनली 3 मेंबर है और तीनों आगे गेम खेले। थोड़ी देर में जब टॉप 10 हो गया सारे प्लेयर एक छोटे जगह में आ गए और सारे फाइट कर रहा था, और हिप हॉप के स्क्वाड पूरा चुपके बैठा था, ये नहीं गया। फिर क्या किया इन लोगों ने, सबको मार दिया ग्रेनेड, और सारे प्लेयर एक जगह में था इसलिए बहुत किल मिल गया इन लोगों को, क्योंकि एकदम लास्ट में भाई छोटे जोन के अंदर ग्रेनेड मार दिया, और इसी तरीके से हिप हॉप के स्क्वाड को पूरा बुइया मिल गया, और ये लोग बहुत ही खुश हो गए और इमोट भी दिखा रहा था। उसके बाद हम लोग देखते हैं इन लोग कौन कितना किल किया, भाई एक बंदे ने एक भी किल नहीं किया और एक बंदे ने 41 किल किया। एनीवेज ऐसा टीम में सबके स्क्वाड में एक ना क्या होते हैं। तो गाइस अभी तक तुम लोगों ने जो देखा ये फ्री फायर का रियल लाइफ वीडियो है, इसमें बहुत कुछ एडिट करके भी बनाया, तो गाइस यही था आज का वीडियो, थैंक्स फॉर द वाचिंग। और गाइस ये जो वीडियो था ना ये एक ब्राजील के यूट्यूबर ने बनाया बहुत ही मेहनत करके, तो गाइस थैंक्स फॉर द वाचिंग। ऐसे वीडियो और देखना चाहते हो तो इस यूट्यूबर का चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स से दे दूंगा, एक क्लिक करके देख सकते हो। तो गाइस वीडियो पसंद है तो एक लाइक कर देना, और चैनल पर जो भाई नया हो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना। और गाइस जानता हूं मेरा थोड़ा हिंदी खराब है लेकिन फिर भी मैं अच्छे से बोलने का ट्राई करता हूं तुम लोगों के लिए, तो इस बात में थोड़ा सा सपोर्ट दिखाओ। तो मिलते हैं और एक न्यू ऑसम वीडियो लेकर, तो बाय guys।